दुकान होता है ना, वही आ गया। स्क्रीन शेयर चले आप लोग इधर तजर्बे जाए देखे मैं यहाँ कुछ शुरू कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ऑनलाइन हजरात एक दफा बता दें उनको आवाज स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है। चैट में आके मैसेजेस में किसी भी जगह पे जहां आप लिख के बता सकें कि सारी चीजें क्लियर है। बेहतरीन हो गया। ठीक है जी। एक स्टूडेंट ने कहा सर काइंडली ऑनलाइन ग्रुप में हैंडआउट और बुक सेंड कर दें। जी हैंडआउट अभी तक फिजिकल क्लास में भी अभी फुल फ्लेज नहीं पहुंचे, तो आज इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप ग्रुप में हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे। और किताब मैंने आपको कहा कि पुराना वर्जन आ जाएगा, और जैसी आई कि अगर कोई चेंज बताएगा तो लेटेस्ट आपको मैं एज अर्ली एज पॉसिबल वहाँ ग्रुप में डाल दूंगा और उस किताब को प्रिंटिंग के लिए भेज देंगे इंशाल्लाह। ठीक है सफिशेंटली। और वैसे भी तो जितनी आवाम है काफी सफिशिएंटली चल रहा है। तो कुछ बातें याद है कल की? डेली कितने देर पढ़ना? 50 मिनट। चलो कुछ तो याद रह गया। सिलेबस में ग्रेड आइटम्स कितने हैं जी? ऑनलाइन वाले हजरात कितनी ग्रेड हैं सिलेबस में, कितने जोन्स हैं? 5। आसान सवाल, 15 से 20 नंबर के कितने हैं? 3। और सबसे कम मेहनत करके सबसे ज्यादा नंबर देने वाला जोन कौन? चैप्टर नंबर 12 है, वो अकेला ही 15 से 20 नंबर की बैठे जाए। फिर एक चैप्टर, दो चैप्टर्स का 9 और 11 है, वो भी 15 से 20 नंबर की बैठे जाए। उधर से चैप्टर 10 और 7 की भी बैठे, वो भी 20 से 25 है। और फिर पहले शुरू वाले चैप्टर 1, 2, 5 और 6 ये मिला के 15 से 20 नंबर की वेटेज, जो आईकेप का बहुत ज्यादा ध्यान उस एरिया की तरफ उस तरह से नहीं है। इधर भी साथ साथ कमेंट्स आ रहे हैं। तो डेली पढ़ने वाली बात समझ आई? और दिन ही कितने से? 3 दिन क्लास है, चौथा दिन तो टेस्ट का है, तो 3 दिन आप साथ साथ पढ़ लेंगे। 50 मिनट से ज्यादा अगर आपको पढ़ना पड़ा तो 1.5 घंटा। घर जाके पढ़ने पे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपने यहाँ देखा होगा स्क्रीन पे वही घर पे आपको नजर आ रहा होगा। ऑनलाइन वालों ने जो मेरी तस्वीर के साथ साथ जो स्क्रीन देखी होगी वही स्क्रीन आपको, मतलब वही सारा कॉन्टेंट घर जाके नजर आएगा, तो उस पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सिर्फ घर जाके नोट्स हैंड आउट सामने रखने हैं, रजिस्टर पे कॉपी करना है, और उसे छोड़ के अपने MFA, R2, ऑडिट जो भी काम करने हैं वो वाले काम शुरू करते हैं। फिर सैटरडे से पिछले दिन जागना है और एक दफा अच्छी तरह से तैयार कर लेना है सैटरडे वाला टेस्ट। पहला हफ्ता क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट है, अभी हमने ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, और 23 मार्च भी आ गई है। 23 मार्च ना भी आती तो मतलब मैं 2 लेक्चर्स की बेस पे आप लोगों से टेस्ट नहीं लेने वाला था। तो पहले हफ्ते को छोड़ के आगे आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। अगर सैटरडे किसी छुट्टी में आया तो हम उसको थोड़ा सा आगे पीछे प्लान कर लेंगे, अदरवाइज सैटरडे हमारा इंशाल्लाह टेस्ट डे बन जाएगा। तो 3 दिन पढ़ा और उसके बाद आपने तो सी लॉ को फिर जितना टाइम देना चाहिए फिर कम अज कम उतना देना, उससे कम भी नहीं देना, उससे ज्यादा भी नहीं देना। और ठीक है जी, पढ़ाई शुरू करें। कंपनी लॉ
चैप्टर वन कंपनियों का इंट्रोडक्शन करा रहा है कि कंपनी क्या है। आप लोग अभी तक पार्टनरशिप्स को पढ़ के आए हैं, समझ के आए हुए हैं। पार्टनरशिप और कंपनी में जो फर्क है वो क्या सुना हुआ है? उस वक्त कहीं पार्टनरशिप में ना एक दो लाइनें लिखी होती थी, ये बताते थे कंपनी फलाना तरह की चीज होती है, जबकि पार्टनरशिप ऐसी नहीं होती। तो क्या होता था कंपनी? लीगल एंटिटी होता है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती थी। अच्छा, जब मैं सवाल पूछूं तो ऑनलाइन वाले हजरात आप लोग भी अपना क्वेश्चन में अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, मैं साथ साथ देख रहा होता हूँ। इन्होंने कहा एक लीगल एंटिटी होती है और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इस तरह की बात हमने देखी हुई है। उसमें मेंबर्स का कॉन्सेप्ट होता है, कंपनी में मेंबर्स बढ़ सकते हैं, पार्टनरशिप में मेंबर्स लिमिटेड होते हैं। शेयर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है कंपनी में। तो थोड़ा सा रफ आइडिया आप सबको है, मैं जरा एक दफा एक डायग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको एक अंदाजा देने की कोशिश करता हूँ कि कंपनी क्या है और कैसे काम करती है। तो थोड़ा सा आप लोग मेरी गंदी राइटिंग बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। इधर मैंने गंदी राइटिंग बोला, उधर उसने लिखना ही क्यों ऐसा करता है मेरे साथ? बटन ही काम करना छोड़ गया। किसी ने इस क्लास पे साया कराया हुआ है, यहाँ शायद नीचे कोई लाश दफन है। इस कमरे की पहली दूसरी क्लास ही है और जो है ना यहाँ पे कुछ कोई भयंकर आत्मा है, ये सहन होता था कभी? अब इस पे चलता भी ये जो है ना, जल्दी शुरू करने की वजह से इसमें ज्यादा क्लासें प्रॉब्लम जल्दी शुरू करने की वजह से ये शनाप हमें मिला है, मासूम बच्चों की आई है जो हमें लग रही है आके। कोई बात नहीं, जब भी सिस्टम ज्यादा परेशान करता है ना, मैं कंट्रोल आल डिलीट करके फाइल उड़ा दूंगा। उसके मुताबिक हम पावर पॉइंट चला ही नहीं रहे, बस कुछ भी नहीं आ रहा। हम एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। ये हमें लिखने दे रहा है और कहाँ तक लिखने दे रहा है? ठीक है जी, आपको बस एक अलग ही ब्लू शेड आ रहे हैं, ये मेरे पास आई है। चलें पांच हजरात, पांचों ने सोचा हम कंपनी बनाते हैं, क्योंकि सुना है कि कंपनी बनाने के काफी सारे फायदे हैं। ये पांच लोगों के हम नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, डी और ई।
3 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, ओ सॉरी 1 लाख रुपए, 50,000, 5 लाख और 50,000, टोटल मिला के कितना हो गया? 10 लाख। पांच लोग हैं, पांच लोगों के पास अलग अलग पैसे पड़े हुए हैं, 3 लाख, 1 लाख, 50,000, 5 लाख, 50,000, और ये सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा काम करें जिसमें हम ये सारे पैसे को जोड़ें और मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करें। तो इन्होंने सोचा कि एक ऐसा बिजनेस करते हैं जो अपने ओनर से सेपरेट, हम एक कंपनी बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये सारे पैसे उठा के एक बॉक्स में डाल दिए। और कह दिया कि ये बॉक्स एक कंपनी है, फर्स्ट करें इस कंपनी का नाम रख देते हैं हम बॉक्स कंपनी लिमिटेड। पांच लोग, पांचों ने अपने अपने पैसे कंसोलिडेट किए और एक बॉक्स में डाल दिया, और उस बॉक्स को एक नाम दे दिया बॉक्स कंपनी लिमिटेड। अब ये बॉक्स एक अलग चीज है और ये पांच लोग अलग लोग हैं, ये पांच लोग कंपनी के मालिक हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए क्या सिर्फ पैसा होना चाहिए? क्या पार्टनर वही बनता है जो कैपिटल लेके आता है? नहीं, हमने वहां पे पढ़ा था कि स्किल्स वाला बंदा भी पार्टनर बन सकता है, पैसे वाला भी बन सकता है, दोनों की मिक्सिंग भी हो सकती है। एक ने कहा मैं काम करूंगा, एक ने कहा मैं पैसा दूंगा, पार्टनरशिप कर लिया। कंपनी में पहला डिफरेंट फर्क, कंपनी में ओनर बनने के लिए, मालिक बनने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए। ये कमर्शियल दुनिया, ये चलती ही पैसे पे है। तो अगर एक बंदा आके कहेगा मैं बहुत जबरदस्त सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो उसे कहेंगे ठीक है हम तुम्हें तनख्वाह दे देंगे, लेकिन तुम मालिकों में नहीं हो। मालिक बनने के लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इन सब लोगों ने इस डब्बे में 1 मिलियन रुपीज रख दिए और घर जाके बैठ गए और कहा सर ने कहा था कंपनी अलग चीज होती है और हम अलग लोग होते हैं, तो हम उस डब्बे में पैसे रखें और घर जाके बैठ गए। क्या डब्बे में कोई हिलजुल होगी? कोई ऐसे लोग भी तो होने चाहिए जो इस डब्बे से पैसे लगा निकाल के इस्तेमाल करें, खर्चे और कोई प्रॉफिट कमाएं। तो इसका मतलब इनको कुछ एम्प्लॉयज भी हायर करने पड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्प्लॉयज हायर कर लिए। एम्प्लॉयज अपना अपना काम अब कर रहे हैं, और इस डब्बे में से 1 मिलियन निकाला, उससे इन्वेस्टमेंट की, उससे प्रॉफिट कमाया, एम्प्लॉयज का खर्चा निकाला और सारा काम चल पड़ा। लेकिन ये एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने के लिए ओनर्स भी तो होने चाहिए, और ओनर बनने के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे हैं उन पांच बंदों के पास। ऐसे में ना बी आगे आके कहता है कि जी मुझे बड़ी अच्छी इंतजामिया संभालनी आती है, मैं इंतजामिया संभाल सकता हूँ, मैं आप लोगों के बिहाफ पे कंपनी की टॉप पे बैठ के एम्प्लॉयज को देख सकता हूँ। अच्छा चलो मिस्टर बी, तुम एक काम करो, तुम्हें हम बना देते हैं डायरेक्टर। बहुत अच्छी बात है, देखो हम ओनर्स में से किसी को कंपनी की फिक्र करनी चाहिए। कोई कहना ना भाई मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर बन के पार्टनर बनना चाहता था, रूल ये था कि पैसे डालने पड़ेंगे। अब मैं पैसे वाला पार्टनर तो हूं, लेकिन अब मैं जब स्किल्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे तनख्वाह चाहिए उसे। तो क्या हुआ कि जो बी है इसके डबल स्टेटस हो गए, बी इस वक्त ओनर भी है और बी इस वक्त एम्प्लॉइज का हेड भी है, ये डायरेक्टर बन के इदारे को चलाने की कोशिश भी कर रहा है। तो हो सकता है ऐसे में ई, वो भी गरीब आदमी है, वो कहे अच्छा मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं अच्छी सर्विसेज देके आपकी कंपनी को चला सकता हूँ। तो अब इन पांच ओनर्स में से दो ऐसे हैं जो मैनेजमेंट को भी हेड कर रहे हैं, ये दो लोग और इनके नीचे एम्प्लॉइज की एक लंबी चौड़ी लेयर, ये मिलजुल के इस 1 मिलियन का बिजनेस करेंगे। और जो रेवेन्यू आएगा उसमें से सारे खर्चे बशमूल एम्प्लॉइज की सैलरी, बशमूल डायरेक्टर्स की सैलरी माइनस करके जो बचेगा वो प्रॉफिट डब्बे के अंदर कर देंगे। तो अब थोड़ा सा मजीद मैथमेटिकली देखते हैं। फर्स्ट करें इन्होंने काम किया और इनके पास प्रॉफिट आ गया 2 लाख, जाहिर है अगर आप एक बिजनेस करते हैं उसको टाइम देते हैं तो उसमें से प्रॉफिट जनरेट होता है। अजम्पशन लेते हैं कि ये पहले दिन ही कंपनी प्रॉफिट में आ गई, पहले साल के एंड पे उन्होंने रेवेन्यू में से सारे खर्चे इनकी सैलरी वगैरह को माइनस करने के बाद जो बचा प्रॉफिट वो 2 लाख है। अब क्या 2 लाख सारा का सारा डब्बे में डाल दें? इस 2 लाख पे असल हक किसका है? ओनर्स का। अच्छा 2 लाख उन पे बांट देते हैं और अगली बार फिर 10 लाख से बिजनेस शुरू करते हैं। कोई दरमियानी अप्रोच जहन में आती है, क्या करें? एक काम कर लें, इसमें से 1 लाख रुपया यहाँ पे ले आए डब्बे के अंदर, और 1 लाख रुपया
इन लोगों में बांट दिया जाए। अच्छा कैसे बांटे? इन सब लोगों ने कंपनी चलाने के लिए जो पैसा दिया था, क्योंकि इन सब ने मिलजुल के पैसा दिया था, तो इस शुरू में आए हुए 1 मिलियन को हम कहते हैं ये कंपनी का शेयर कैपिटल है। और इन लोगों की रेशियो जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक आसान तरीका करेंगे कि हम शेयर कैपिटल को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। वो हिस्सा 10 रुपए का भी हो सकता है, 100 रुपए का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है। अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है शेयर नॉर्मली 10 रुपए के होते हैं, लेकिन लॉ में मैं आपको बताऊंगा शेयर कम ज्यादा के भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट करें, इस कंपनी वालों ने सोचा कि हम 10-10 रुपए के टुकड़े करते हैं। तो अगर हम देखें तो जिसने 3 लाख रुपया कंपनी को दिया, उसको कंपनी ने, इसने 3 लाख कंपनी को दिया, कंपनी ने इसको बदले में दिए 30,000 शेयर्स। तो बी को कितने होंगे? 10,000 शेयर्स। इसको 5,000 शेयर्स, इसको 50,000 शेयर्स, इसको 5,000 शेयर्स, और टोटल मिला के कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर्स। प्रॉफिट 2 लाख था, 1 लाख का क्या किया हमने? रिजर्व्स में डाल दिया अपने ही उस डब्बे के अंदर जहां हमारा शेयर कैपिटल पड़ा था, हमने 1 लाख रुपए वहां डाल दिया। अब हमारी कंपनी की वर्थ 11 लाख हो चुकी है, 10 लाख नहीं रही, और 1 लाख रुपये हमने उठा के बांटना है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने कंपनी में? 1 लाख। और प्रॉफिट कितने बांटने वाला? तो इसका मतलब है पर शेयर 1 रुपया। यानी हमें बात समझ आ गई कि अगर मैं पर शेयर ₹1 दे दूंगा, तो इसका मतलब है कि मुझे बाकी हिसाब नहीं करने होंगे। जिसके पास 5,000 शेयर है उसे 5,000 रुपए दे दूंगा, जिसके पास 50,000 शेयर है उसे 50,000 रुपए दे दूंगा, जिसके पास 10,000 शेयर है उसे 10,000 रुपए। तो अब इन सब लोगों की तरतीब इस तरह से बन गई, शेयर्स के हिसाब से ये कंपनी के मालिक बन गए की अलग अलग परसेंटेज। ये 30% का मालिक है, ये 10% का मालिक है, ये 5% का मालिक है, ये 50% का मालिक है, और ये भी 5% का मालिक है। सब लोगों की अलग अलग परसेंटेजेस आ गई। कल को जब भी कोई पैसे बांटने होंगे इसी रेशियो में बांटेंगे। जब भी ये बैठे होंगे और उनके साथ फैसला किया जा रहा होगा, उनसे कहेंगे कि आप अपने वोट दें, तो इन लोगों की वोटिंग पावर भी इसी हिसाब से तय होगी। पार्टनरशिप में क्या होता था, सब तकरीबन बराबर होते थे। 4 बंदे, एक ने 1 करोड़ दिया है और 2 स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक ने 13 लाख रुपए दिए हैं। जब बैठते थे चारों तो मेजोरिटी से फैसला करते थे, जिस तरफ 3 हो गए फैसला वो हो जाता था। बट कंपनियां कमर्शियल गेम, नोटू की गेम है, जिसके जितने ज्यादा नोटू वो उतनी पावर में। तो आज भी सबसे तगड़ा आदमी डी ही है, उसके पास सबसे ज्यादा पैसे है। यहां तक की कहानी समझ आ रही है? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो आपने 1 लाख रुपया कंपनी को दिया और कंपनी ने आपको 10,000 शेयर दिए और शेयर पे लिखा था ये 10 रुपए का शेयर है, वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो गई। ये जो बॉक्स है ना, कंपनी है, ये अपना बिजनेस खुद कर रही है, और ये 5 लोग अपनी जिंदगी में अपना बिजनेस खुद कर रहे हैं। ए जो है वो किसान का बेटा है, लेकिन उसके पास पैसे हैं और वो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। बी सरकारी नौकरी करता है, नहीं बी तो डायरेक्टर भी है। सी सरकारी नौकरी करता है, बी कुछ नहीं करता तो इसी कंपनी में आके डायरेक्टरशिप पे लग गया। डी जो है उसके 25 बिजनेसेस में से एक बिजनेस ये वाला है जहां उसने 5 लाख रुपए लगाए हुए। ये 5ों लोग अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन जब यहां आते हैं कंपनी के अंदर, तो कंपनी में ये कंबाइंड शेयर होल्डर है। तो ये जो बॉक्स कंपनी लिमिटेड है ना, ये एक अलग इंसान है। इस इंसान ने इन्वेस्टमेंट करनी है, इस इंसान ने कमाना है, और अपनी कमाई में से अपने ओनर्स को भी देना है। तो जो राइट साइड वाली कंपनियां है ये कंपनी को चलाएगी, और लेफ्ट साइड वाले शेयर होल्डर्स का पेट भरेगी। कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। पहले साल 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर आगे चल के और प्रॉफिट हुआ, कुछ बांटा, कुछ रख लिया, करते 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 फर्स्ट करें, आज कंपनी में लेटेस्ट पिक्चर देखते हैं। आज कंपनी के पास 3 मिलियन रिजर्व पड़े हुए हैं और 1 मिलियन उनका शेयर कैपिटल है। कंपनी की टोटल इक्विटी या कंपनी की नेटवर्थ या कंपनी की टोटल वर्थ कितनी है इस वक्त? 4 मिलियन। आज अगर ये कंपनी बंद हो जाए तो ये 4 मिलियन पे हक किसका है? शेयर होल्डर्स का। कितना कितना हक है? जितने जितने परसेंट उनके पास शेयर्स है।
ऐसे में क्या हुआ, मिस्टर डी को अपने कुछ शेयर्स बेचने थे। मिस्टर डी को मिस्टर के ने अप्रोच किया और के से कहा कि भाई तुम जरा मुझे अपने शेयर बेचते हो। डी ने कहा वो बैठते हैं सामने। इसने कहा मुझे तुमसे चाहिए 20,000 शेयर्स। अगर शेयर दिखाना, शेयर देखा उस पर 10 रुपया लिखा हुआ था। उसने कहा 20,000 शेयर है, चलो मैं तुम्हें 10 रुपया देता हूँ, तो मुझे ये तुम 20,000 शेयर 10 रुपये दे दो, क्योंकि इस पे लिखा हुआ 10 रुपये। कैसे होगा? नहीं आप मिस्टर डी की जगह है, कितने पैसे मांगेंगे पर शेयर? अच्छा देखें, एक तो कंपनी 40 मिलियन की, 4 मिलियन की हो गई, 40 लाख की। इसका मतलब है आपको अगर कंपनी बंद होगी तो पर शेयर 40 रुपये तो वापस मिलना है। फिर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हर साल इस वक्त आपको 5-6 रुपए डिविडेंड भी दे रही है। बढ़ गई है ना कंपनी, पहले 1 रुपया दिया था। तो आपके हाथ में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके कागज पे 10 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन आज भी कंपनी बंद हो तो उसके पीछे 40 रुपए के असासे पड़े हुए। और अगर ये आपके हाथ में ये पैसा पड़ा हुआ है, पैसे पे हर साल आपको कुछ रिटर्न भी आ रहा है, तो अब मिस्टर डी कहेंगे ना मैं तो नहीं शेयर 10 रुपए का दे रहा, कितने के देंगे? जितने जितने मर्जी का हो सकता होगा, मैं 70 से कम नहीं दूंगा। इन्वेस्ट करने वाला सोचे अच्छा पीछे कितना फंड पड़ा हुआ है, सालाना कितनी आमदन हो रही है, लोन दूंगा तो कितना रिटर्न होगा, इधर कितना रिटर्न होगा, कंपनी के बहुत तेजी से आगे बढ़ने के क्या चांसेस हैं, कंपनी के डूबने के क्या चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, 4 मिलियन कल को 3 मिलियन भी हो सकता है। तो टोटल रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो हर बंदा इन्वेस्टर मार्केट में आके देखेगा कि कौन सी कंपनी वर्थ इट है, मैं उधर लगाऊं या ना लगाऊं, किस कंपनी में मुझे अच्छा रिटर्न मिलता है। तो फर्ज करें बात तय हो पाई 60 रुपए में। तो अब एक पांचवा शेयर होल्डर ऐड हो गया जिसका नाम है के ने कितने शेयर्स खरीदे? 20,000 शेयर्स खरीदे हैं। कितने रुपए देके खरीदे होंगे इसने? 60 रुपए से आपने मल्टीप्लाई कर, मेरे सामने अकाउंटेंट्स है ना, तो बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। हमने 20,000 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 1.2 मिलियन। इसने दिए 1.2 मिलियन, कंपनी बनी कितने से थी और इसके पास शेयर्स कितने कंपनी के? 20,000 है ना, तो 20% का मालिक ये भाई साहब, 50% का मालिक नहीं, ये 30% का मालिक हो गया। तो कितनी मजे की बात है, जिसने उतने पैसे दिए जितने सबने मिला के भी नहीं जोड़े थे, उसको सिर्फ 20% मिला है। ना इंसाफी नहीं है? क्यों? वो चलते हुए बिजनेस में है, वो गुडविल का पैसा दे रहा है, वो इस चीज का पैसा दे रहा है कि वो उस पैसे के पीछे अब कंपनी में वाकई ही उतनी वर्थ पड़ी हुई है। पहले जब लोगों ने 10 रुपया दिया था तो डब्बे के अंदर 10 रुपया पड़ा हुआ था, आज उस 10 रुपए का वेस्ट डब्बे में 40 रुपया पड़ा है, और डब्बा इतना चालाक हो गया, इतना तेज हो गया है कि 4-4, 5-5 रुपए कमा के भी दे रहा है। मैं इसलिए डब्बा उसको अलग से कह रहा हूँ कि वो उसका एक अलग वजूद है और आपका अलग वजूद है। तो ये पांच लोग अपनी जिंदगी में जो मर्जी करेंगे अपने शेयर्स के साथ खेल रहे हैं। कि ने बेचा, उसे मजा आ गया, उसने कहा बड़ा मजेदार काम था, शेयर भी बेची, बाकियों को पता लगा उसने भी शेयर बेचे। तो कुछ लोगों को नजर आता है बस कंपनी एक मैक्सिमम जगह पे पहुंच गई, इसके ऊपर इसने क्या जाना, वो शेयर बेच के निकलना शुरू हो गए, कुछ नए लोग शेयर खरीदना शुरू हो गए। आप जैसे एक बंदे को पता लगा कि फलाना कंपनी के 60 रुपए पे शेयर मिल रहा है, आपने अंदाजा लगाया, आपने कहा कंपनी तो ग्रोइंग है, लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक काम करता हूँ 8-60 रुपए का शेयर ले लेता हूँ, तो जब इसके शेयर इतने खरीदे जा रहे होंगे तो आगे महीने बाद ज्यादा लोग और इंटरेस्टेड होंगे, उन्हीं लोगों को 5 रुपए का बेच के निकल लूंगा। आपने 60 का खरीदा, डिविडेंड आने में जब 3 महीने थे ना, तो आपने लोगों से कहा कि ये 60 रुपए का शेयर है, डिविडेंड भी आने वाला है, 65 का ले लो मेरे से, 65 के दिया और निकल लिए, पता लगा उस साल लॉस था कंपनी को। तो कुछ लोग तो सिर्फ शेयर्स में बिजनेस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ दो धंधे चल रहे हैं, एक शेयर्स का, एक कंपनी का। बॉक्स लिमिटेड नामी कंपनी शायद लकड़ी की चीजें बना के बेचती है, उसका अपना एक अलग बिजनेस है, वो खुद कमा रही है और अपने ओनर्स को खिला रही है, और किसी का एहसान नहीं रख रही, जो इंतजामिया उसे चला रही है उसको तनख्वाह भी दे रही है, जिस ओनर ने पैसे दिए थे उनको उनके पैसे पे रिटर्न भी दे रही है। तो ये जो दरमियान में कंपनी है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये दरमियान वाली कंपनी बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, और इसका अपने मालिकों से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है।
सर इसके मालिक जो है वो इसके ओनर्स हैं। स्लाइड पर हौसला। तो अब ये कंपनी एक अलग एंटिटी है। ये कंपनी अगर किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर देगी तो वो आके इस डब्बे को तोड़ फोड़ के इसमें से पैसे ले जाएंगे। लेकिन मिस्टर ए का सबसे बड़ा नुकसान 3 लाख रुपए का हो सकता है। मिस्टर ए ने बचपन में इस कंपनी में कितने डाले थे? 3 लाख रुपए। तो किसी शेयर होल्डर का कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू से बड़ा नुकसान नहीं होगा। दुख होगा मिस्टर के को, उसने जो शेयर खरीदा उस पर लिखा 10 रुपए, और रिकॉर्ड में होगा आपके पास 20,000 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले। कंपनी पे जब कोई बुरा टाइम आएगा, जब भी कोई मसला होगा, तो काउंट ये होगा कि इसके पास 10 रुपए वैल्यू का शेयर पड़ा हुआ है। जब चल रही थी कंपनी तो उस पैसे की वर्थ थी, जब बंद हो गई है तो आप 10 रुपए के एक शेयर पे खड़े। तो ऐसे में अगर इनका सारा का सारा पैसा डूब जाए, इन्होंने सारा पैसा दिया था इसको मिस्टर डी को, ऐसे शेयर ले लिए थे, कंपनी बंद हो, इनका सारा पैसा डूब गया, अभी रोते फिर रहे हैं कि मेरा 4 लाख डूब गया। तो इसने रिस्क भी तो बड़ा लिया था, इसने शेयर्स चलती भी कंपनी के खरीदे थे ताकि रिटर्न्स भी अच्छे मिले, तो वह नुकसान भी इसी को होना चाहिए। तो इसका मतलब कंपनी अलग है और कंपनी को चलाने वाले जो हैं वो अलग लोग हैं। क्या ये डिमार्केशन, ये चेंज हमें समझ आ रही है? मैं एक दफा ये कमेंट्स वाले भी हजरात को देख लूँ कि वो शदीद परेशान तो नहीं है। ठीक है जी, आवाज में थोड़ी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, मेरी आवाज ये कहाँ से उठा रहा है? ये कैमरे से उठा रहा है या सर चलती कंपनी अपने नंबर ऑफ जी? अब अगला सवाल है कि क्या चलती हुई कंपनी अपने शेयर्स तकसीम कर सकती है? मुझे ऑनलाइन में एक दफा फीडबैक दे दीजिएगा, क्या मेरी इस वक्त वॉइस क्लियर है? वाली एक तरह कोई फीडबैक दे दीजिएगा, मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है जी, यस के मैसेज आ गए और काजिम भाई ने एक पैगाम दिया है। काजिम भाई मैं इधर साथ साथ देख रहा होता हूँ और सामने जो टीम मेंबर्स हैं वो बताते हैं कि वहां पे अगर कोई इशू चल रहा हो, लेकिन मैं कमेंट्स के लिए यहाँ पे आया था। वो बेचारे उदास बैठे, उन्होंने कहा जी हमारी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। शेयर होल्डर का शेयर है बस ये जाएगा या कुछ और भी जाएगा? जी अगर कंपनी लॉस में है, कंपनी इस कंपनी पे जरा इसके बचपन में आते हैं, जब ये छोटी कंपनी थी इसके पास 1 मिलियन होता था और लाख रुपए के रिजर्व थे। इस कंपनी ने किसी का 20 लाख का नुकसान कर दिया, रिजर्व साफ हो गए, 1 मिलियन साफ हो गया, अब 9 लाख अभी भी ऐसा लॉस है जो रिकवर नहीं हुआ। अब वो इनके घरों में जाके इनसे नहीं लेगा, ABCG को गरीबान से नहीं पकड़ेगा कि मुझे बकाया पैसे दो। याद है पार्टनरशिप में क्या होता था? पार्टनरशिप खत्म हो जाती थी, फिर जिस एक पार्टनर से भी सब मिल जाता था वो उसे रगड़ देता था, वो फिर आपस में रोते फिर रहे होते थे, एक दूसरे से हिसाब किताब करते रहते थे। तो कंपनी में एक बहुत बड़ा फायदा लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी उससे ज्यादा नुकसान नहीं कर सकती जितना उसमें पड़ा हुआ है। कंपनी का बड़े से बड़ा नुकसान ये, डब्बे को तोड़ फोड़ दें, इसको आग लगा दें, इसमें से सारे पैसे लूट के ले जाएं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है शेयर होल्डर इज इजी, कि उसने जो पैसा लगाया है उसका ज्यादा से ज्यादा वो डूबेगा जो उसने लगाया है। ऐसा नहीं होगा वो कहेंगे वो तो डूब गया, अब घर के सासे बेच के हमें मजीद पैसे दो, क्योंकि एक तो वो सेपरेट लीगल पर्सन है, दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो कितनी मजेदारी वाली बात हो गई कि कंपनी को आप पहचानते ही अलग है। ये चलते चलते हमारा जो है ना वो अचानक से नेट में मसला आए और हम अचानक से गुस्से में आ जाएंगे कि हमारे बच्चों को सही से क्लास नहीं जा रही, और हमें पता हो कि हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता है उसके पास PTCL के शेयर्स हैं, हम उसके घर जाएं और उसको कहें तुमने हमारा इंटरनेट खराब किया है। वो कहेगा मुझे मत पकड़ो, उसे पकड़ो। किसे पकड़ो? PTCL को। तो हम कहेंगे भाई तुम और तुम्हारी कंपनी एक ही चीज तो है। वो कहेगा ना ये अगर आपदी साहब से कैफ 7 पढ़ा होता तो तुम पता होता कि मैं और मेरी कंपनी अलग अलग लोग हैं। वो PTCL का की इंतजामी लगे, वो पैसे लेते हैं काम करने के, काम कर रहे हैं उनकी शिकायत करो, मुझे
अच्छा बता दिया, मैं भी मीटिंग में आवाज उठाऊंगा कि यार कौन से लोग हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, तो जाओ कंपनी पे केस कर दो, मतलब मालिक कह रहे जाओ केस कर दो। वो इतना अपने आप को और अपनी कंपनी को अलग मानता है, और वो भी चाहता है कि वो डायरेक्टर जो गंदे तरीके से कंपनी को चला रहे हैं उनका इंसाफ होना चाहिए। तो कंपनी इतनी सेपरेट लीगल पर्सन है, आप एक बंदे की दुकान के पास से गुजर रहे हो, उसकी दुकान का शेड ऐसे नीचे आया था, वो डंडे पे टिका हुआ था, वो हल्का सा फिसला, कहीं आपके सर पे शेड गिर गया, आप पहुंचे मालिक के पास, सर से खून बह रहा है, आपने कहा मुझे हरजाना था, अगर नुकसान हुआ, वो कहेगा बड़ा कमबख्त शेड है, शेड पे केस कर देते हैं। ठीक है, शेड पे केस कर दो, फजूल शेड है। तो आप कहेंगे मुझे पागल समझा रहा है, तुम और तुम्हारा शेड एक ही चीज है, तुम तुम्हारी दुकान, दुकान में रखा हुआ माल, दुकान में मौजूद सारे एम्प्लॉई और तुम सब के सब एक हो, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं, कंपनी सेपरेट सेपरेट है, कंपनी अपने मालिकों से सेपरेट है। वो ये ऐसे ही है जैसे रिजल्ट वाले दिन मैं क्लास से बाहर निकलूं, बच्चा मुझे रोक के खड़ा हो जाए, आप आईकेप के मेंबर है ना? हाँ, आईकेप के मेंबर तो हैं, आईकेप ने मुझे फेल कर दिया, आप कसूरवार। मैं कहूँगा यार उनकी तो पॉलिसी ही बड़ी अजीब सी है, मैं भी बड़ा तंग हूँ उनसे। कहेगा क्या मतलब है, आप इदारे के मेंबर है? तो मैं कहा वो इदारा एक अलग शनाख्त है, मेरी अलग शनाख्त है, मैं एक इंसान हूँ, वो एक इदारा है, इदारे की पॉलिसियाँ अच्छी भी हो सकती हैं बुरी भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा आप मेंबर हैं? मैंने कहा हाँ, मैं जरूर मशवरा दूंगा, मैं जरूर वोट करूंगा अच्छे लोगों को, कोशिश करूंगा कि उसकी गवर्नेंस में अच्छे लोग आए, लेकिन उनकी किसी गलती का मैं जिम्मेदार नहीं। हाँ, उन्होंने गलत किया, उन पर केस करो, और अगर जुर्माना मत है वो जुर्माना देंगे, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ। मैं अपने आप को और आईकेप को इतना सेपरेट मानूंगा क्योंकि वो एक इदारा है और मैं एक इंसान हूँ। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, आप चार बंदे, आपकी पार्टनरशिप और आप सेम लोग हैं, कंपनी में फर्क होता है। जी जो बिजनेस प्लान हमने चैप्टर पढ़ा था 16 जी जी 20 मनी का, उसमें हमने कहा था कि अगर किसी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट होती तो डायरेक्टर उसे जितने भी लोग हैं जी इंक्वायरी होती है। इन्होंने कहा कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग का एक चैप्टर बिजनेस लॉ में पढ़ा था, और उसमें यह था कि अगर एक कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो पहले तो कंपनी को फाइन होता था, याद है? वो इंसानों को फाइन नहीं होता था, कंपनी को, कंपनी का फाइन अल्टीमेटली उन्हीं के प्रॉफिट्स में से पे होना है ना, वो हो गया। फिर उसके बाद लिखा हुआ था कि अब डायरेक्टर्स और बाकी लोगों के खिलाफ तहकीक खुल जाएगी, और फिर लिखा था कि उनमें से जो लाइबल होगा, जो गलत होगा, उसे पकड़ा जाएगा। सेम गोस हियर, पीटीसीएल पे आप जाके कह देंगे जो तुम लोग सही काम नहीं कर रहे, आप उन पे जुर्माना कर देंगे, फिर पीटीसीएल वाले देखेंगे कि उनके किस बंदे ने उनके साथ बुरा किया। एक बैंकर ने, मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने एक चेक दिया आपको, आपने जाके प्रेजेंट किया, वो बाउंस हो गया, जी आप साहब के पास पैसे ही नहीं है, मेरी हतक इज्जत हो गई, मैं जनाब पहुंचा, मैंने कहा अकाउंट में तो पैसे थे, आपने बाउंस कर दिया, उनके एम्प्लॉय ने कहा जी गलती से हो गया, तो मैं कहूंगा जी आपकी वजह से मेरी साख बदनाम हुई, बच्चे ने फेसबुक पे लगा दिया कि कॉलेज में जाके ऐसा लगता है कि करोड़पति आदमी है, इधर जनाब 200 रुपए का चेक बाउंस हो गया। तो मैं बैंक पे 25 करोड़ का केस कर दूंगा। इसमें पता रूल क्या होता है, लोअर द चेक हायर द केस, जितनी छोटी अमाउंट का चेक बाउंस हुआ होता है जबकि पैसे पड़े थे, उतना ही ज्यादा आपकी साख खराब हुई होती है कि यार तो 10 रुपए भी नहीं। तो अब होगा क्या, मैं केस कर दूंगा जी मिजान बैंक लिमिटेड कंपनी के ऊपर। कंपनी अगर हार गई तो कंपनी पाबंद होगी कि मुझे अदा, कंपनी फिर देखेगी कि उनके किस बंदे की गफलत से ऐसा हुआ, उसे नौकरी से निकाल देंगे, उसके बेनिफिट्स खा जाएंगे, उसको जुर्माने करेंगे, वो कंपनी का और उसे एम्प्लॉय का आपस में मामला। जब बात होती है ना पब्लिक फ्रॉड की, मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली पब्लिक फ्रॉड है, तो वहां हम कहते हैं कि कंपनी को तो जुर्माना करो, फिर देखो कंपनी के अंदर असल में कौन सा वो खबीस आदमी है जिसने ये सारी गड़बड़ की थी, कंपनी के तो हाथ ही नहीं है। तो कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर मौजूद इंतजामिया में कोई ऐसा खराब आदमी है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो वहां ये नहीं लिखा था कि कंपनी के सारे ऑफिसर्स पे केस होगा, वहां लिखा था कि कंपनी पे केस होगा, कंपनी को पेनल्टी पड़ेगी, और फिर कंपनी के ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन होगी, और में से जो फाउंड गिल्टी होगा उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो अगर कहीं फ्रॉड और इस तरह से होता है, ऐसा नहीं है कि आप कंपनी बना के बैठ जाए और जितने मर्जी फ्रॉड कर लें, फ्रॉड के केस में आपको पर्सनली भी पकड़ा जाएगा, अगर आपकी नीयत खराब है तो फिर कंपनी भी फायदा नहीं देगी। एक कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस में नहीं होता, अंग्रेज पढ़ाते हैं, लिफ्टिंग द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर वेल चढ़ा लेते हैं, नकाब चढ़ा लेते हैं कंपनी का, और फिर कुछ भी करते फिरते हैं, और पकड़ी जाती है कंपनी। तो लॉ कहता है कि अगर फ्रॉड हुआ होगा तो हम वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन उठाएंगे और अंदर से असल इंसान को पकड़ेंगे कि कौन था जो कंपनी के नकाब में आया हुआ था। बात कुछ कुछ समझ आई?
सर डायरेक्टर बनने के लिए क्या हमारा शेयर होल्डर होना लाजमी है, एक भाई ने सवाल पूछा। हो भी सकता और नहीं भी। कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स में से आते हैं, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज में से होते हैं, कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं कई दफा आपके क्रेडिटर्स वगैरह कंपनी पर बिठा देते हैं। चैप्टर 3 में जाएंगे 11 तरह के डायरेक्टर्स पढ़ेंगे। अभी तो बिल्कुल डे फर्स्ट है, अभी तो हम जरा एक पूरा माहौल समझ रहे हैं जी। क्या ये बात समझ आ रही है? एक स्टेप हम आगे गए, यहाँ पे हमें ये समझ आ रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी चीजों को किस तरह से लेके चल रही है आगे प्रॉफिट्स। एक सवाल हमारा था जो मैंने रोक दिया था उस टाइम पे, कि क्या एक चलती हुई कंपनी मजीद शेयर्स देगी? देखें, ये कंपनी आज 40 लाख इसकी वर्थ है और इसके मेंबर्स को भी पता है इसकी 40 लाख की वर्थ है। ये कंपनी आगे सोच रही है कि हम 20-1 लाख का एक प्रोजेक्ट लगाते हैं, अगर वो लगा दिया तो हमारे प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे। अभी 20 लाख के पैसे तो नहीं है डब्बे के अंदर, और शेयर होल्डर ने बचपन में अपने पैसे दे दिए थे। अब या तो इस 20 लाख का उधार ले लें, बैंक के पास जाएं, लोन लें और उस लोन पे फिर बैंक को इंटरेस्ट दें, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अपने ही मेंबर से पूछें कि हाँ भाई मजीद पैसे दोगे? शेयर होल्डर का, मैं क्यों दूं मजीद पैसे? तो कहेंगे अच्छा आज कंपनी में 1 लाख शेयर हैं, हम 50,000 मजीद शेयर इशू कर रहे हैं और हर शेयर इतने रुपए का है, और इन तमाम लोगों को ऑफर दे दें। अच्छा वो तो हो जाएगा, क्योंकि मैं तो 30% का मालिक था, जब आप मजीद शेयर इशू करोगे तो मेरी तो परसेंटेज कम हो जाएगी। भाई लाख का 30% है ना, तो 1.5 लाख का 30% तो नहीं रहेगा। तो कहेंगे ठीक है जी, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देते हैं कि जितने फीसद उसके पास आज ओनरशिप है वो नए शेयर में से उतने फीसद खरीद सकता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ मैं उसको ऑफिशियली पुकार दूं, इसको राइट शेयर्स कहते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप ही कंपनी के मजीद इजाफी शेयर खरीद लो, इनको रेट भी सब्सिडाइज मिल जाता है, और इनको पहली प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर अपने ही बंदे पैसे दे दें तो हम शरीक क्यों बढ़ाएं? अच्छा है कंपनी 5 बंदों से चल रही है, 5 बंदों से चलती रहे। तो जब भी कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी के शेयर होल्डर का ये राइट है कि उसको पहले ऑफर दी जाए, अगर वो इजाफी पैसे दे के इजाफी शेयर खरीद ले। उसी वैल्यू पे बनेंगे 10 रुपए या अब नए शेयर का क्या होगा? अब कंपनी में फेस वैल्यू तो 10 रुपए सेट हुई हुई है और कंपनी की वर्थ बड़ी जबरदस्त चल रही है, तो असूलन कंपनी सोचेगी कि हम 50 रुपए का शेयर इशू करते हैं, और शेयर होल्डर को भी पता होगा कि आज 50 रुपए देना इज जस्टिफाइड। अब जब वो 50 रुपए देगा तो उसकी अकाउंटिंग ऐसे करेंगे कि हम कहेंगे 10 रुपया तो कंपनी के शेयर कैपिटल में चला गया, और ये जो ऊपर अमाउंट आई है ना, ये प्रीमियम है, उसे शेयर प्रीमियम अकाउंट कह देंगे। फिर कल को बोनस देना होगा, कल को डिस्काउंट पे चीज ऑफर करनी होगी, तो वो उस वाले खास रिजर्व जिसका नाम शेयर प्रीमियम था उसको इस्तेमाल कर लेंगे। डिविडेंड देना पड़ गया, कुछ और इस तरह से हो गया, उसको यूज कर लेंगे। तो लेकिन कागजों में वो शेयर 10 रुपए का ही होगा, और जो उससे ऊपर उसने पैसे दिए, समझ लें आसान अल्फाज में, देसी जबान में, वो गुडविल थी कंपनी और वो पैसे कंपनी में आ गए। अब कंपनी उस पैसे को जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, लेकिन अल्टीमेटली वो कंपनी की टोटल वर्थ में ऐड होगा। अब कंपनी जब बंद होगी तो वो पैसा सब में सबकी रेशियो से डिवाइड होगा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट है 1 करोड़ का और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की पसली 25-30 लाख से ऊपर की नहीं है, तो कंपनी नहीं कहेगी हाँ जी बताओ, ये देखेंगे प्रोजेक्ट तो बड़ा जबरदस्त है, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाते हैं, अगले साल 1 करोड़ का रिटर्न आ जाएगा और सबको आ जाएगा, लेकिन लोन भी इतना बड़ा नहीं मिलने वाला और अपने शेयर होल्डर्स के पास भी इतने पैसे नहीं है। तो कहेंगे चलो एक काम करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, पब्लिक को, आम आवाम को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं ये हमारी कंपनी, ये हमारी वर्थ है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हम सोच रहे हैं, हिसाब से मांग रहे हैं, आओ और इतने फीसद के शेयर होल्डर बन जाओ। उससे आपकी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट होगी, जो 30% वाला था वो 25-24% पे आ जाएगा, लेकिन एट वॉट कॉस्ट? उसके 5-6% शेयर्स कम हुए, लेकिन कंपनी की वर्थ 1.5-2 करोड़ की हो गई और कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अब शरीक लाने पे कोई दुख नहीं होगा। तो पहली कोशिश ये होती है कि जब तक कंपनी के ही अपने बंदे पैसे देते रहे, यही लोग सारी जिंदगी पैसे देते रहे और कंपनी नहीं हाथों में ठहरी रहे, लेकिन जब ज्यादा पैसा चाहिए होता है तो फिर आप बड़े लेवल पे खेलते हैं, फिर आप पब्लिक कंपनी के तौर पर कन्वर्ट होते हैं, प्राइवेट नहीं रहते और आप ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ी गेम करते हैं। एक टाइम आता है कि कंपनी कई अरब की हुई भी होती है और उसमें जो शुरू वाले लोग हैं वो 10% के शेयर होल्डर हो, लेकिन वो बड़ी जबरदस्त वर्थ के 10% के शेयर होल्डर होते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को जिसके थ्रू हम पब्लिक को बुलाते हैं, उसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं। क्या बात समझ आई? यहां पे मेरे पास एक सवाल था,
रिटेन अर्निंग और शेयर प्रीमियम अकाउंट वगैरह, अब अगेन आप अलग अलग रिजर्व की अलग अलग नेचर है। रिटेन अर्निंग आपके बचे हुए प्रॉफिट होते हैं, शेयर प्रीमियम आपका जो आपने शेयर होल्डर से इजाफी पैसा लिया होता है वो होता है। हर किसी का अलग अलग यूज है। कुछ चीजें हम थोड़ी सी यहाँ पे पढ़ेंगे, सारी चीजें यानी पढ़ेंगे। कुछ चीजें आपको अकाउंटिंग के अंदर बता दिया जाएगा कि ये उस तरह का रिजर्व है, इसका ये यूज है, उस तरह का रिजर्व है, उसका ये यूज है। क्या यहाँ तक कहानी समझ आई है? प्रोस्पेक्टस इशू शेयर इशू होता जी, प्रोस्पेक्टस इशू कब होगा? जब आप प्रोस्पेक्टस में अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन देंगे और लोगों से कहेंगे हम शेयर्स इशू करने लगे। इन जब आप लोगों से पैसे लेंगे तो आप कहेंगे कि हमने आपको शेयर्स दिए, क्योंकि आप जिंदगी में पहली दफा जनरल जनता के पास जा रहे हैं। तो इसको कानूनी जबान में कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब इन इस तरफ से लेगा और हजारों शेयर होल्डर कंपनी में आ गए तो दोबारा जिंदगी आपको राइट शेयर से आपका काम चल जाए, आपको दोबारा पब्लिक ऑफर ना देनी पड़े, क्योंकि आपने एक दफा मैस को बुला लिया। वरना जब कंपनी बनती है तो चंद सिलेक्टेड लोगों से बनती है, उसके बाद वही लोग चंद हाथों में कंपनी घूमते घूमते सिलेक्टेड ही 15-16 तक ही मेंबर्स रहते हैं ज्यादातर कंपनियों के। लेकिन जो बड़े पैमाने पर खेलती है वो पब्लिक कंपनी के तौर पर बनती है, और वो फिर ज्यादा से ज्यादा। अभी हम कंपनियों की टाइप्स में देखेंगे, एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट होती है। तो अभी तो कहानी बिल्कुल स्टार्ट हुई है। क्या यहां तक सारी बात समझ आ रही है? कंपनी को मतलब कि न्यू शेयर्स जब न्यू तो उसके बाद अगर कंपनी को लॉस हो जाए तो जो वैल्यू गुडविल है तो वो भी जाया हो रही है। जी बिल्कुल। अब अगर लॉस हो गया, नए राइट, बड़े अच्छे प्रीमियम हमने लिए और कंपनी को लॉसेस आना शुरू हो गया, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट लॉसेस को सेट ऑफ करेगा। यानी हम कहेंगे कि हमने इजाफी जो वर्थ ली थी वो उस वर्थ से सेट हो रहा है, क्योंकि होगा ये कि एकदम से शेयर होल्डिंग बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, तो कंपनी बड़े स्केल पे खेल रही होगी, लेकिन आज अभी उस लेवल का रेवेन्यू नहीं कमा रही होगी। तो इस वक्त फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज हो, उसका एक कैंपस हो, उस एक कैंपस में से जितना रेवेन्यू आता हो उसमें से एक्सपेंस माइनस करके वो थोड़े से लॉस में हो, लेकिन बच्चे इतने हों कि वो एक कैंपस में काफी ना पढ़े हों, तो वो सोचें कि अब हम दो कैंपस करते हैं, जब दो कैंपस होंगे तो 6 महीने बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हम ज्यादा लोगों को सर्व कर सकें, तो कैंपस तो अभी बना देंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अभी कर देंगे। फिर क्या होगा, जब दो कैंपस होंगे तो उनकी मेंटेनेंस का खर्चा आज से पड़ना शुरू हो जाएगा, और रेवेन्यू कब आएगा? 5-6 महीने बाद, जब चीजें थोड़ा सा मैच्योर होंगी किसी और उसमें। तो अल्टीमेटली जब आप साइज अप करते हैं, स्केल अप करते हैं, बढ़ाते हैं बिजनेस, तो शुरू में आप माइनस में चले जाते हैं। तो बिजनेस शुरू में भी खाता है आपको, और जब भी एक मेजर एक्सपेंशन होती है तो कंपनी एक दफा जरा थोड़ा सा डाउन जाती है, चीजों को नए सिरे से बिल्ड करती है, और फिर जब स्केल अप करती है तो वो एक बड़े पैमाने पे करती है। डन। ये कंपनी जिसको हमने कंपनी कह दिया, ऐसे थोड़ी होगा कि वाकई एक डब्बा है जिसमें जाके पैसे रख दिए। हम गवर्नमेंट को बताएंगे इस डब्बे के बारे में, हम इस डब्बे के कुछ डॉक्यूमेंट बनाएंगे, यानी कि MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कागज होंगे जो बताएंगे कंपनी क्या है, इसका कितना शेयर कैपिटल है, इसका मेन बिजनेस क्या होगा, इसके डिटेल रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे। अब हमारा सिलेबस क्या है? हमारे सिलेबस में है 12 चैप्टर्स। इन 12 चैप्टर्स का थोड़ा सा एक दफा इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1, कंपनीज के बारे में। कंपनियां क्या हैं, कंपनियां कितनी तरह की होती हैं, कंपनियों को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग पहला चैप्टर है, जो कि आपको मुनफरिद किस्म की कंपनियों और अथॉरिटियों के बारे में बताएंगे जो कंपनी लॉ के अंदर है। किसी हद तक बोर चैप्टर है और इसमें क्रैमिंग वाली चीजें थोड़ी जरा ज्यादा है। फिर चैप्टर 2 आएगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल के बारे में बताएगा कि कंपनी क्या है, कंपनी मेमोरेंडम में क्या लिखेगी, आर्टिकल्स में क्या लिखेगी, कंपनी जब बनेगी तो अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज लिख रही होगी। चैप्टर 3 हमें बताएगा डायरेक्टर्स के बारे में कि डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं, उनकी क्या पावर्स होती हैं, कंपनी को कैसे चलाते हैं, ये कब मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग में फैसले किस तरह से करते हैं, वो सारी बात चैप्टर 3 बताएगा। चैप्टर 4 बताएगा अदर ऑफिसर, डायरेक्टर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि लोग, वो कौन लोग हैं, वो कैसे आते हैं, उनमें कौन चीजें शामिल है। चैप्टर 5 हमें बताएगा शेयर कैपिटल के रूल्स। शेयर कैपिटल क्या है, कितनी तरह का होता है, किस तरह से इशू होता है, उसमें क्या रूल्स होते हैं। चैप्टर 6 हमें बताएगा प्रॉस्पेक्टस के बारे में। प्रॉस्पेक्टस वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, कब इशू करना पड़ता है, क्या टाइमलाइन है, किस तरह से है। चैप्टर 7 हमें मॉर्गेजेस एंड ये लोन से रिलेटेड होता
है कि अगर आपने कंपनी ने लोन लिया है तो उसके ऊपर सिक्योरिटी वगैरह किस तरह से होगी। चैप्टर 8 बताएगा हमें कि कंपनियां मीटिंग्स कैसे किया गया, कंपनी के अंदर मेंबर्स कब इकट्ठे होंगे, कैसे पॉलिसी मेकिंग करेंगे, उनकी मीटिंग का क्या रूल होगा, कितना कोरम होगा, वोटिंग कैसे करते होंगे, वोटिंग काउंट कैसे होती होगी, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते होंगे, वो सारी बातें चैप्टर नंबर 8 बताएगा। चैप्टर 9 हमें बताएगा के बारे में कि डिविडेंड क्या चीज है, डिविडेंड क्या चीज है, वो जो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बांटा था रिजर्व से हटके जो बांटा था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो डिविडेंड है। तो चैप्टर 9 बताएगा डिविडेंड क्या है और किस तरह से करता है। चैप्टर 10 बताएगा कंपनियां इन्वेस्ट कैसे करेंगी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारे क्या रूल्स हैं। चैप्टर 11 कंपनियों के अकाउंट्स और सालाना कौन कौन से रिकॉर्ड हमने कराने हैं वो बताएंगे। और चैप्टर 12 हमें बताएगा कंपनी वाइंड अप कैसे होगी। तो खूबसूरत फ्लो है इस सब्जेक्ट में, ये बी लॉ नहीं है। चैप्टर का मिजाज दूसरे से फर्क होता था, एक चैप्टर में कंसिडरेशन के रूल चल रहे हैं तो अचानक से जनाब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आ गया, तो फिर आर्बिट्रेशन का कानून आ गया, तो पाकिस्तान का आइन आ गया और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया। यहाँ एक ही कहानी है जिसको हमने पूरा समझना है। आज हमने उस कहानी का इस वक्त मैप बनाया है कि शुरू से लेके एंड तक चीजें किस तरह से चल रही होती हैं और बैकएंड पे प्रोसेस क्या है। यही सारे चैप्टर एक एक करके हम पढ़ते हैं तो हमें कंपनियों के बारे में आइडिया होता है। मजबूरी है कि हमें चैप्टर 1 2 शुरू में पढ़ने पड़ते हैं ताकि बेस बन जाए, हालांकि वो अच्छे खासे बड़े चैप्टर हैं और ना एकदम से चीजें बड़ी बोरिंग सी हो जाती हैं आगे। अब जैसे डिविडेंड है 2 सफ़े का चैप्टर है बेचारा, शेयर कैपिटल है 2.25 सफ़े का चैप्टर है, तो बीच बीच में बड़े मजे के अदर ऑफिसर 2.25 सफ़े के चैप्टर है, तो बड़े मजे मजे के चैप्टर्स भी बीच में शामिल हैं। लेकिन ये है कि हमने जाहिर है उसको एक खास फ्लो में पढ़ना है। तो हम इस वक्त जो स्टार्ट कर चुके हैं वो चैप्टर 1 है, जो चैप्टर 1 डेफिनेशन देने से पहले हमें कंपनियों का इंट्रोडक्शन देता है कि कंपनी में और बाकी बिजनेस में क्या फर्क है। तो क्या ये कहानियां हमें समझ आ रही हैं, तो थोड़ा सा एक दफा किताब की जबान में देख लेते हैं, हैंडआउट्स मेरे ख्याल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि साथ साथ, और सॉफ्ट में हैंडआउट जो है वो हम फिर ग्रुप में शेयर कर देंगे इंशाल्लाह ताला। एक कंपनी के फीचर्स, इसमें पहले हम सोल ट्रेडर पार्टनरशिप और कंपनी का फर्क देखेंगे। सोल ट्रेडर कौन है, एक इंडिविजुअल है जो ओन करता है और रन करता है अपना जाती बिजनेस, उसको हम क्या कहते हैं, सोल ट्रेडर। लॉ इज सोल ट्रेडर इज बिजनेस पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं करता, बंदा और उसकी दुकान सेम चीज है, कंपनी की तरह नहीं है, कंपनी अलग और कंपनी के मालिक अलग। ये पर्सन पर्सनली लायबल है बिजनेस के टैक्स के लिए। अगर ये बिजनेस 10 लाख से चल रहा है और नुकसान हो जाता है 18 लाख, तो क्या होगा, पहले दुकान बिकेगी, असासे बेचेंगे, 10 लाख पूरा होगा, फिर ये घर जाके घर के असासे बेचेगा और 8 लाख ला के देगा, ये सोल ट्रेडर है। पार्टनरशिप में क्या होता था, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो ओन करते थे और रन करते थे बिजनेस को, पार्टनरशिप बिजनेस को पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं करता, और ये लोग भी अपने फर्म के लिए बाकी पार्टनर्स के साथ मिलजुल के पर्सनली लायबल है। लेकिन कंपनी में चीजें फर्क है। कैपिटल ऑफ कंपनी इज रिप्रेजेंट शेयर्स, ये जुमला समझ आता है, कंपनी का शेयर कैपिटल शेयर से रिप्रेजेंट होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इसके मालिक ओनर। आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर्स हैं फलाना फलाना, तो अलग अलग तरह की कैटेगरीज आप पढ़ेंगे, लेकिन कंपनियों में जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के मालिक हैं। ये एक प्रोसेस से क्रिएट होती है कंपनी, जो कि कंपनीज 2017 ने हमें बताया, कंपनी 2017 ने एक तरीका बताया कि इस तरह से कंपनी रजिस्टर होगी, तो हर कंपनी उस पैटर्न उस तरीके को फॉलो करके रजिस्टर होगी। कंपनी लीगल पर्सन है सेपरेट फ्रॉम ओनर, कंपनी ओनर से सेपरेट है। इस रूल को कानून की जबान में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट कंपनी को कहते हैं, पर्सनैलिटी को कहते हैं, मैंने इस पेन के साथ अगर शख्सियत लिख दिया तो अल्लाह मुझे माफ करे, शख्सियत। तो आएंगे भी, 2 डॉट आएंगे, ओए ज्यादा डॉट आ गए, नहीं फेर भी है। तो कंपनी की एक अलग शख्सियत है, डॉक्ट्राइन कहते हैं कानून को हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी कहते हैं, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जहन में हो, कानून ऑफ कंपनी की शख्सियत। तो कंपनी एक अलग वजूद है, इंसान अलग वजूद है, कंपनी अपने एसेट खुद खरीदेगी,
कंपनी की जमीनें कंपनी के नाम पे होंगी, कंपनी एसी खरीदेगी तो कंपनी के नाम की रसीद होगी, कंपनी मालिक होगी, कंपनी गाड़ी खरीदेगी कि गाड़ी की कंपनी मालिक होगी। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता था, पार्टनर्स के नाम पे एसेट होते थे, पार्टनर के नाम पे बैंक अकाउंट होते थे, पार्टनर अपने नाम पे सारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन करते थे, कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट खुद करेगी, कंपनी शेयर भी खरीद सकती है किसी और कंपनी के, मतलब कंपनी वो तमाम कानूनी काम कर सकती है जो एक कानूनी इंसान कर सकता है। कंपनी टैक्स देगी अपने प्रॉफिट्स पर। कंपनीज आर मैनेज बाय देयर। तो यहां तक हमने जो पढ़ा ये बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। इंशाल्लाह जिंदगी में दोबारा ये वाली चीज आपको दोबारा असूलन नहीं पढ़नी चाहिए, सिवाय इसके कि आप एक दफा जब घर जाके लिख रहे हो। वैसे आप इसको लिखने से भी इतने पोर्शन को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है। आगे जो कंपनी की तीन फीचर है किताब ने थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट किए ताकि आपके जहन में रहे। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, कंपनी कैन एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्सन, कंपनी बाकी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। एसेट्स को खुद ओन करती है और कंपनी लायबल होती है कि वो अपने प्रॉफिट्स अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दे। तो पहला फीचर कंपनी के अंदर हमें क्या नजर आया, सेपरेट लीगल पर्सनालिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अपने ओनर से सेपरेट है, अलग से है। आवाज में फिर से इश्यूज आने शुरू हो गए। जी अभी जरा फीडबैक दीजिएगा, आवाज का इस वक्त फीडबैक दीजिएगा कि इस वक्त सही आ रही है आवाज। ऑनलाइन वाले हजरात इस वक्त आवाज कैसी है? नहीं जी, मेरे पास कुछ अंगूठे आ गए, कुछ यस के निशान आ गए। राइट नाउ ओके, ठीक है। तो पहला फीचर क्या नजर आया, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी, ओनर्स ऑफ कंपनी की लायबिलिटी कंपनी के डेट्स के लिए सिर्फ इतना तक लिमिटेड है जितना उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा। ज्यादा ज्यादा डूबेगा तो आपके लगाए हुए 3 लाख डूबेंगे, आपसे घर आके मजीद पैसे कोई नहीं मांगेगा। हाँ, आपका पैसा जो डूबा है उसकी वर्थ अगर बढ़ चुकी थी तो ज्यादा डूब जाएगा, लेकिन इनिशियली आपने जो लगाए थे वो तो 10 रुपए के हिसाब से लगाए थे, तो बड़े से बड़ा जो आपका पैसा डूबेगा वो 10 रुपए के हिसाब से लगाया हुआ डूबेगा। तो अक्सर लोग इतने सयाने होते हैं वो कहते हैं बस डिविडेंड ही खाते रहो, कंपनी को मत ग्रो कराओ। लेकिन अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो कंपनी प्रॉफिट भी छोटा कमाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट रिजर्व में डालने पड़ते हैं और कुछ प्रॉफिट बांटने पड़ते हैं। ना बांटे वो भी गलत है, रिजर्व में ना डाले वो भी गलत है। तो डिविडेंड के चैप्टर में देखेंगे कि फैसला कौन करता है और कैसे करता है कि कितना प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर जाना चाहिए। तीसरा खास फीचर, कंपनी में ट्रांसफर ओनरशिप और परपेचुअल सक्सेशन है। मुझे थोड़ा याद करके बताएं, 4 बंदों की पार्टनरशिप है, एक छोड़ के चला गया, पार्टनरशिप के साथ क्या होगा? खत्म हो जाएगी। फिर उन 3 लोगों को नए सिरे से पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी क्योंकि पार्टनरशिप के उन 4 के नाम लिखे हुए थे, उनकी शेयरिंग रेशियो लिखी हुई थी, उनकी इन्वेस्टमेंट लिखी थी, उनके रूल्स लिखे हुए थे डीड पे। अच्छा, 4 बंदे पार्टनरशिप चला रहे हैं, 5वां आ गया। अब न्यू पार्टनर जब आएगा तो पीछे वालों के रेशियो भी चेंज होंगे, रूल्स भी चेंज होंगे, कागज चेंज हो जाएगा, टेक्निकली नई पार्टनरशिप बन गई। कंपनी एक इस तरह का सेटअप है कि लोग आते रहे जाते रहे, डब्बे को फर्क ही नहीं पड़ता वो उस डी ने कौन से ई को, कौन से एफ को, कौन से के को कितने शेयर बेचे, फर्क ही नहीं पड़ता कंपनी को। कंपनी तो चल रही है, अपना लकड़ी का काम करी जा रही है। कंपनियों में ओनरशिप ट्रांसफर होती रहती है। आज अगर एक कंपनी में आपको 5,000 शेयर होल्डर नजर आ रहे हैं तो शायद 50 साल पहले इनमें से एक भी नहीं था। कंपनी शायद कभी किसी वक्त 10 बंदों ने बनाई थी और आज उस कंपनी में शायद 37,500 शेयर होल्डर है। तो कंपनी का तीसरा फीचर है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। पार्टनरशिप में इतने आराम से नहीं ट्रांसफर होता। कंपनी में आप अपनी ओनरशिप उठा के किसी को ट्रांसफर करना, अपने शेयर उसको बेच दे, वो मालिक बन जाएगा, आप साइड पे हो जाएंगे और कंपनी को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी अपने काम करती रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल कहते हैं लगातार को, सक्सेशन कहते हैं विरासत को। तो कंपनियों की विरासत है लगातार, कंपनी ऑनगोइंग चलती रहती है। कोई भी लीगल पर्सन कंपनी के शेयर खरीद सकता है, इवन एक और कंपनी शेयर खरीद सकती है, शेयर होल्डर ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी और को बगैर किसी से पूछे, बगैर बाकी दोस्तों को उनकी रजामंदी लिए। इससे कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस पे फर्क
कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, कंपनी चलती रहेगी, ओनरशिप में चेंज से अफेक्ट नहीं होगी, तो फिर कंपनी बनानी चाहिए। फायदा नुकसान है, नुकसान क्या लग रहा है? यानी लॉ ने सारे नुकसान तो दे ही सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को दिए, तो अगर ऐसा है तो सारे कंपनी क्यों नहीं बना लेते? प्रॉफिट ज्यादा डिवाइड हो जाता है, प्रॉफिट ज्यादा डिवाइड हो जाता है, वो तो पार्टनरशिप में भी हो जाता है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं ले पाते, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होती हैं। कंपनी बनाने का मतलब आप रेगुलेट हो गए, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पार्टनरशिप में मत काम करें, सोल प्रोप्राइटर के तौर पर काम करें। कंपनी याद होगा 20 से ज्यादा बंदे तो पार्टनरशिप चला भी नहीं सकते, और बैंक तो 10 से ज्यादा बंदे नहीं चला सकते। पार्टनरशिप को लोन आराम से नहीं मिलेगा। कंपनी है, कंपनी रजिस्टर हुई है, कंपनी ने मेमोरेंडम आर्टिकल बनाया है, गवर्नमेंट के पास जमा कराया है, गवर्नमेंट के पास सबूत है कि ये चलती हुई कंपनी है, ये काम कर रही है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, वो सालाना अपने अकाउंट से जमा कराएंगे। कंपनी बनाने का मतलब है वो नजरों में ज्यादा आ जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने इतने ज्यादा चौरस्ते दे दिए कंपनी को कि हर बंदे को मजा आए कि वो कंपनी बनाए। मैं अपनी केस स्टडी की बात करता हूँ, ऑल दो इदारा लॉस में हो तो शायद उतनी मजे की एग्जाम्पल ना हो, फर्स्ट करें इदारा प्रॉफिट में, फर्स्ट करें जी मेरा एक सेटअप हो और उस सेटअप से मुझे 50 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा हो, तो मुझे 50 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा, और 50 लाख पे मैं टैक्स दे दूंगा 10-12 लाख का, और फिर मेरे हाथ में आ जाएंगे 37-38 लाख। फिर मैं अपने घर के बिजली के बिल भरूंगा, मैं अपनी गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा दूंगा, मैं अगर कहीं घूमने फिरने जा रहा हूँ फैमिली में तो मैं उसका खर्चा करूंगा, तो ले दे के एंड पे शायद 5-6 लाख रुपए मैंने बचाया होगा। लेकिन और टैक्स दे दिया कितना, 12-13 लाख का। अगर मैं अपने काम को कंपनी का हूं तो मैं और कंपनी अलग हो गए, कंपनी सिंगल बंदा भी चला सकता है, सिंगल मेंबर कंपनी बन सकती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है चलें जी आपको चलाकियां बताता हूँ, मैं डबल ए और एक कंपनी, मैं कहूंगा मैं इस कंपनी का एम्प्लॉई हूँ और मुझे कंपनी सैलरी देती है, और सैलरी उतनी रखूंगा जिस पर टैक्स ना पड़े, तो साल में 6 लाख सैलरी ले लिया और 10% तो मेडिकल अलाउंस भी एग्जेम्प्ट होता है, तो 6,66,666 ले लिया। फिर मैं कहूंगा एम डबल, मैं डबल ए हूँ तो एम डबल ए कौन है, मिसेज आतिफ अब्दी, मैं कहूंगा वो भी कंपनी में एम्प्लॉई है और उनकी भी तनख्वाह उसके, तो 6,66,666 के पैसे अपने अकाउंट में डालूंगा, मुझे उस पर सैलरी का टैक्स नहीं पड़ेगा और कंपनी में 6,66,666 का एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। अगर मैं कंपनी से डिविडेंड करके निकालता टैक्स पड़ता, अगर मैं अपने बिजनेस में से यूज करता टैक्स पड़ता, और आप लोग तो टैक्स पढ़ के आए हुए माशाल्लाह से, अगर 100 रुपये अपने ही बिजनेस में अपनी सैलरी खुद सेट कर दे तो क्या वो एडमिसिबल है? लेकिन कंपनी तो एक अलग पर्सन है। अच्छा फिर क्या हुआ, कंपनी ने अपने दो बड़े काम के एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए इनका जो ऑफिस आने जाने का ऑफिशियल खर्चा है वो कंपनी करती है, तो कंपनी हम दोनों की गाड़ियों में पेट्रोल डलवाती है। अब हम चूंकि कंपनी के लिए इतने दिल से काम कर रहे हैं तो कंपनी हमें दूसरे मुल्क भी भेज देती है, जाहिर है कंपनी अपने एम्प्लॉइज की नहीं सोचेगी तो और किसका सोचेगी। तो वो पैसे जो मेरे पास आते हैं जिसपे मैं टैक्स देता और उसके बाद में अपनी जेब से खर्चा करता, वो खर्चा कौन कर रहा है? कंपनी। अगर मैं घर बैठ के काम करना है तो मेरे घर में इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए, कंपनी पे करेगी। अगर मेरी बेगम का मूड खराब है और वो काम सही से नहीं कर रही तो उसको मुझे कंपनी का ऑफिशियल एम्प्लॉई बन के खाने पे ले जाना चाहिए, उसको अच्छे गिफ्ट देने चाहिए, कंपनी का खर्चा। तो मेरे घर का बिजली का गैस का ये सारे बिल, मेरा मिसेस हमारी शॉपिंग, हमारा दूसरा मुल्क जाना, वो सारा कुछ कंपनी करेगी और एंड पे कंपनी को लाख रुपए प्रॉफिट होगा, उस पर टैक्स है ना, मजे की बात। वो सैलरी और नॉन सैलरी और बिजनेस वाला होता है ना, कंपनियों के फिर रेट डिफरेंट होते हैं। आप लोगों ने कैफ में जो टैक्सेशन पढ़ी है वो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप की पढ़ी है, कंपनियों के अंदर फिर मिनिमम टैक्स की भी बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, कुछ जगह पर वो रेवेन्यू पे सीधा सीधा परसेंटेज लेते हैं, उन्हें पता है कंपनी बना के लोग ही वैरायटी करेंगे। लेकिन कंपनी इतनी सेपरेट चीज है कि मैं अपने जाती एक्सपेंस को कंपनी का एक्सपेंस बना सकता हूँ,
और उससे कम से कम टैक्स पड़ेगा। तो टैक्स वाले बड़े चालाक होते हैं, वो लोगों से कहते हैं कंपनी बनाओ, लिमिटेड लाइबिलिटी भी होगी और मैं किसी का नुकसान भी कर दूंगा तो मैं उतने हद तक लाइबल हूँ जितना मैंने शेयर कैपिटल दिखाया होगा अंदर। तो ये वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है जो लोग अपने ऊपर चढ़ा सकते हैं, कंपनी बनाने का इतना फायदा, और गवर्नमेंट आंखें बंद कर लेती है, कह देती है ठीक है ये टैक्स इवेजन नहीं है, ये आवाज इस तरह के प्यारे प्यारे आपको आपकी करिकुलम में डाल के सिखा दिए जाते हैं ताकि आप अभी से पता हो कि अगर हम रूल्स के अंदर रहते हुए थोड़ी बहुत चलाकियां चलाकियां करें तो चल जाता है काम। अभी से ही आपके जमीर को थोड़ा थोड़ा सा नरम कर रहे होते हैं, आपको अभी से ही थोड़ा थोड़ा सा बेईमानी को सही कह देने की हल्की हल्की सी आदत डाल देता है। फिर कब अवॉइडेंस से एवेजन के दलदल में आप एंटर हो जाए पता ही नहीं लगता। तो खैर कहने का मतलब है कि कंपनी इतनी सेपरेट एंटिटी है कि लोग इस तरह से चीजों को मैनेज कर सर, रहे हैं। ये इतनी कंपनी में मतलब छूट दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को इसमें क्या बेनिफिट है? जी कंपनी पे इतनी छूट क्यों दे रहे हैं, ये इस सवाल का ही मैं जवाब चाह रहा था, सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी छूट क्यों इतनी है। देखे ना मैंने तो आपको लुट बचा के दिखा दिया, ये 1 लाख पे तो कम से कम टैक्स देंगे, वरना अगर मैं दादाती बिजनेस और मेरी नीयत खराब हो तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं लगना मैं कितना कमा रहा हूँ, ना मेरे पे ऑडिट वाजिब होना है। अब कंपनी है, कंपनियों पे ऑडिट भी वाजिब है, 1 मिलियन ऊपर की अगर कंपनी है कोई भी उसका कैपिटल 1 मिलियन से ऊपर, उसको ऑडिट भी कराना जरूरी है, उसको सालाना अपने अकाउंट भी भेजने हैं, रजिस्ट्रार कंपनियों के रिकॉर्ड भी इंस्पेक्ट कर सकता है, चीजें भी चेक कर सकता है, सेक्टर भी बताएंगे, अपनी चीजें रिपोर्ट करेंगे, जो पेमेंट करेंगे उधर टैक्स काटेंगे और इनको जो पैसा मिलेगा वो टैक्स काट के मिलेगा। तो अल्टीमेटली उसका जितना भी बिजनेस है उसमें से 80-90% हाईलाइट हो जाएगा। जब हाईलाइट होगा तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड सही होंगे, गवर्नमेंट को मिलने वाले टैक्स की कैलकुलेशन सही हो जाएगी, गवर्नमेंट के निजाम सही होंगे, अल्टीमेटली कंपनी बनाने का मतलब है चीजें ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में चलें, इसका मतलब है ज्यादा लोगों को रोजगार। तो गवर्नमेंट चाहती है कि तकरीबन हर बंदा जो बिजनेस करे वो कंपनी बना के करे, सर लेकिन तो वही सोचे मतलब कंपनी लॉ में कितना स्कोप है। अब आप कंपनी लॉ पढ़ के कंपनी लॉ के एक्सपर्ट अगर बन जाए, पाकिस्तान में पर मंथ 450 से 500 कंपनियां रजिस्टर होती हैं पर मंथ। जी सर लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी तो हेल्प करती जी कंपनियां फिर मनी लॉन्ड्रिंग में भी हेल्प कर रही होती हैं जैसे इन्होंने कहा। अब उसमें आप ये देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग का जब जिक्र आता है तो कंपनी को अलग से असेस करते हैं, कंपनी के रूल्स ही डिफरेंट बना देते हैं ताकि लोग कंपनी बना के मनी लॉन्ड्रिंग वाली हरकतें ना करें। और ये ऑनलाइन वाले लोग आवाज में एक कंटिन्यूस डिस्टॉर्शन है। चले आज के लेक्चर के बाद में मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कल से आज हमारी लेक्चर की कनेक्टिविटी बेहतर है, इनशाला अगले दिन हमारी आवाज की कनेक्टिविटी भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट माइक बाकी चीजें अपेरेंटली थोड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इसमें देखते हैं कल इंशाल्लाह ताला आवाज आज से बेहतर होगी इंशाल्लाह। तो कंपनी और कंपनी की साइंस से समझ आ रही है। तो कंपनी लॉ सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली एक ही फ्लो है, इस वजह से ये बिलों से छोटा माना जाता है, टेक्स्ट वाइज ही बिलों से बड़ा है। अगर इसका देखें कि फैलाव कितना है या इसमें, तो ये बिलों से समझे 5-7-8% बड़ा है। लेकिन चूंकि हम एक ही टॉपिक के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, एक ही कहानी चल रही है, एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेशन में आए तो एक बिल्कुल नए मिजाज से सोचना शुरू कर दिया, पार्टनरशिप में आए तो और तरह से सोचना शुरू कर दिया, तो एक ही दो दो दिन तो बेस बनाते रहते हैं कि जी निगोशिएबल लॉ डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो इधर हम जो बात करेंगे वो कंपनी की करेंगे, लेकिन नुकसान पता है क्या, ये इतना कनेक्टेड है कि एक लेक्चर या अगले 3 लेक्चर समझ नहीं आएंगे। आज मैंने ये बात की है, कल के लेक्चर में किसी टाइम पे मैं कहूंगा देखें जी परपेचुअल सक्सेशन होती है ना, फिर तो कुछ लोग गंदे से मुंह बनाएंगे इधर देख रहे होंगे, तो एक जगह मैं कहूंगा कि अब ये कंपनी की डेफिनेशन है देखा सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट के साथ मैच कर रही है, तो वो कहेंगे पता नहीं ये कौन सी बात हो रही है। कल मैं जो कंपनी की टाइप बताऊंगा जब अगले दिन मैं उससे अगले लेवल की टाइप बताऊंगा तो मैं अज्यूम करूंगा कि पीछे वाली टाइप आपको पता है। तो अगर आपका कोई लेक्चर मिस हुआ हो या ना आ सके तो कोशिश ये करनी है कि आपने सोने से पहले रात में वो लेक्चर लाजमी अटेंड कर, ये लेक्चर तकरीबन मगरिब से पहले पहले अपलोड हो जाते हैं। तो फ्लो नहीं टूटने देना, कहानी बहुत मजेदार है, सब्जेक्ट अगर समझ आ जाए तो बड़ा प्यारा है, फिर दिक्कत सिर्फ रह जाती है इसमें रट्टा मारने वाली, और रट्टा मारने वाली दिक्कत आपकी नहीं रहेगी अगर आपने साथ साथ वो लिखने वाला काम किया। तो बस डेली घर जाके सिर्फ हैंडआउट सामने रखिए और उसको लिख लिया। ये हैंडआउट भी मेरे ख्याल में अभी आपको 2 चैप्टर इकट्ठे मिल गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये किताब के 3 बड़े चैप्टर में से 2 बड़े चैप्टर
सोचें आपके हाथ में जो हैंडआउट्स हैं इसमें इस वक्त तकरीबन किताब में अगर मैं टोटल बात करूं तो 77-78 होंगे, जिनमें से 20 सफ़े तो आपके पास हैं, तो सोचें क्या होगा ये। खैर हमने भी उसको छोटा करके एक सफ़े पे दो प्रिंट लेके, वरना क्या होता है अगर हम एक सफ़े फैलापे वो करते हैं और जब किताब आती है तो फिर आप कहते हो किताब का फॉन्ट छोटा, सर इससे अच्छा तो हैंडआउट ही था, तो इसलिए हमने हैंडआउट का फॉन्ट और छोटा कर दिया है ताकि जो है वो आप लोगों को किताब जब आए तो वो बेहतर लगे। जी इन्होंने कहा जो स्लाइड आपने समझाई है वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगी, अगर डे एंड पे लेक्चर बंद करते हुए उसने एरर ना किया, क्योंकि आपने देखा है कि वो एरर्स कुछ ज्यादा ही कर रहा है, तो वो हम उस पे कर देंगे। वो वाली तस्वीर ही है, बाकी चीजें तो वो तकरीबन वो स्लाइड वाली हैं, तो वाली तस्वीर जो है मैं उसमें कर दूंगा। नहीं तो अगर ये मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं है, हम ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करके हमारी टीम जो है वो जब उस पॉइंट पे पहुंचेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देंगे, तो बहरहाल जो चीज ऑनलाइन चली गई वो तकरीबन महफूज हो जाती है। हाँ जी, तो खुदा ना खास्ता आगे तो नहीं पढ़ने के बारे में सोचो, या एक नए जोश और जज्बे के साथ अगले दिन पढ़ना है या आज पढ़ना है, क्योंकि आज पिछले दिन के सवाल ही नहीं थे। हो जाएगा डेफिनेशन, एक दो फजूल से डेफिनेशंस फड़का देते हैं। कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं, दुनिया की सबसे आसान डेफिनेशन। कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी इस एक्ट या कंपनी लॉ के अंदर जो चीज बनी है उसको हम कहेंगे कंपनी। अब आप कहेंगे सर ये दिस एक्ट और कंपनी लॉ से क्या मुराद है? हम जो कानून पढ़ रहे हैं वो मैंने आपको बताया था, वो है कंपनीज एक्ट 2017। अगर कंपनियों के कानून की बात करें तो पुराने जमाने में कंपनीज एक्ट होता था 1900 फिर 1935 में भी इसका एक रिवाइज वर्जन आया था, फिर एक कंपनीज ऑर्डिनेंस था 1984, फिर एक कंपनीज ऑर्डिनेंस आया था 2016 में, और फिर 2017 में। तो इन चारों को कलेक्टिवली कंपनी लॉ कहते हैं, इन चारों को कलेक्टिवली कंपनी लॉ कहते हैं। लेकिन अगर लॉ लिखने वाले ने कहा हो कंपनीज एक्ट और पुराने कंपनी लॉ या इसके अलावा कंपनी लॉ, तो उस कंपनी लॉ में ये नीचे वाले तीन शामिल होंगे। अगर कभी मैं आपसे कहूंगा ना ये चीज कंपनी लॉ के रूल्स के मुताबिक होगी तो आप समझ जाइएगा उन चारों के मुताबिक। जब 1984 तो कंपनियां फॉलो कर रही थी 1913 को, कंपनियों को 6 महीने का टाइम मिला और उन्होंने नए वाले को फॉलो करना शुरू कर दिया। 2016 आया कंपनियों को 6 महीने का टाइम मिला, तो आज जो कंपनी रजिस्टर होगी वो 2017 के कानून के मुताबिक रजिस्टर होगी, और जो पहले आ रही होती है जैसे ही नया लॉ आता है वो 6 महीने के अंदर अपने आप को नए लॉ पे शिफ्ट करती है, और जो रूल पुराने तरीके से फॉलो करे तो उसको चेंज करके नए तरीके से फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो कंपनी किसे कहेंगे? अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो 2017 में रजिस्टर हुई या कंपनी लॉ। तो अब इसका मतलब यहां कंपनी लॉ से मुराद है पिछले वाले कंपनी लॉ। वर्ड कंपनी लॉ की डेफिनेशन भी सामने दी हुई है। कंपनी लॉ किसे कहते हैं? रिपील्ड कंपनीज एक्ट, मनसूख हुआ हुआ पुराना कंपनीज एक्ट, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1980, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस, वो तीन तो है ही हैं, ये चौथा भी शामिल होगा अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड अदरवाइज। कॉन्टेक्स किसे कहते हैं? सियाको सबाग सिचुएशन। तो वो कहना चाह रहे हैं कि वो तीन तो हैं, चौथा भी शामिल होगा अनलेस के जो जुमला है हो के आप कुछ और मतलब समझे। तो अगर मैं आपको चलते फिरते जाने से कहूं ये बात तो कंपनी लॉ में देखनी पड़ेगी, तो मैंने और कुछ नहीं बोला, तो इस वक्त इस कंपनी लॉ से क्या मुराद है? चारों। और मैं कहूं ये काम तो पुराने कंपनी लॉ में देखना पड़ेगा, तो कंपनी एक 2017 को कंपनी लॉ कहें या ना कहें ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। वो तीन हमेशा कंपनी लॉ कहलाएंगे, और कंपनी एक 2017 को आप कंपनी लॉ में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। और अगर आपने उसका जिक्र कर दिया, पीछे की डेफिनेशन देखे ना, हमने कहा था जो इस एक्ट में या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो, तो इसका मतलब है उधर कंपनी लॉ से क्या मुराद होगा बाकी के तीन। तो ये दो ऐसी डेफिनेशन है जो आनी चाहिए ही नहीं कभी पेपर में, मतलब इसमें कुछ भी उन्होंने खास बात बताई से बस वक्त गुजारा है। तो चलें आज
पढ़ता था अपने के थोड़ा सा पढ़ या थोड़ा और पढ़ा। अब टाइम हो गया, अब जो है ना ये घड़ी वो तो नहीं पीछे, तो नहीं इस घड़ी के मुताबिक तो मुझे अभी भी 6 मिनट लग रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, वही बात है कि मुल्फातुल कुलूब, समझते मुल्फातुल कुलूब, जिनके दिल जोड़े गए, जो लोग नए नए मुसलमान होते हैं ना तो उनको पहले दिन रोजे नहीं लगवा रखवाने शुरू कर देते हैं, ना तहज्जुद भी उठाते हैं, फजर में भी थोड़ा रिलैक्सेशन दे देते हैं कि नए नए हैं अभी दिल जोड़े गए हैं आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, पहले दिन ही अगर उनको बता दिया कि इतना सारा कुछ करो तो भाग जाएंगे। तो मौलफातुल कुलूब कहते हैं उन नए लोगों को जो आए होते हैं और एक नई चीज को अटेंड कर रहे होते हैं, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए कुछ रूल्स तोड़ दिए जाते हैं। तो अभी मतलब मोटिवेट करने के लिए भी हम मुनासिब पढ़ लेते हैं। आज की सारी कहानी आपको समझ आ रही है, और ऑनलाइन वाले हजरात की बर्बादी के बावजूद भी क्या बातें समझ आई, काइंडली वॉइस का वो कर लीजिएगा, ये जो है ना ठीक है, वॉइस वाले जो है ना फाइल का स्क्रीनशॉट शेयर, वो स्क्रीनशॉट अभी लेक्चर एंड पे हम कर देते हैं। कंपनी पे जो टैक्स दे वो विदहोल्डिंग टैक्स या डिविडेंड वो होगा, कंपनी के टैक्स पड़ता है कंपनी के प्रॉफिट पे, फिर कंपनी के ओनर जब कंपनी से वो प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं डिविडेंड, तो डिविडेंड पे भी टैक्स पड़ता है, तो डबल डबल टैक्सेशन होती है कंपनी में। लेकिन कंपनी के पास वो इतना प्रॉफिट रहने ही नहीं देते शेयर होल्डर कि वो उस तरह का चक्कर हो, भाई मैं अब कंपनी से 50 लाख डिविडेंड नहीं लूंगा, भाई कंपनी से डिविडेंड लेके अपने खर्चे खुद पे करने से बेहतर है कि कंपनी खर्चे पे करे ऑफिशियल खर्चे में। तो लोग फिर उस तरह की चालाकी करते हैं कि वो डिविडेंड के नाम पे नहीं, वो एक्सपेंसेस के नाम पे चीजें विड्रॉ करते हैं। डन, तो इंशाल्लाह ताला कल लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करते हैं। हैंडआउट फिजिकली आपके पास है, सॉफ्ट में हम जो है वो ग्रुप में हमने शेयर कर दी है, और ये तस्वीर जो है ये भी डे एंड पे भी उसको शेयर कर देते हैं इंशाल्लाह ताला। तो कल मिलके, कल का लेक्चर शायद हमारे पूरे सेशन का थोड़ा सा सबसे बोरिंग सा लेक्चर हो, क्योंकि कल हमने कुछ डेफिनेशन देखी है दो तीन गंदी गंदी सी, आगे चीजें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो तैयार है, कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा।